नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 100 न्यूज। कौम हर खबर सच के साथ। आइए रुख करते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आज कांग्रेसियों के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में सहारा और पल्स कंपनियों ने करोड़ों लोगों का पैसा RDFT व अन्य योजनाओं में भारी मुनाफे का लालच देकर जमा कराया। गरीब व सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य व बेटियों की शादी आदि के लिए अपनी मोटी कमाई सहारा में जमा कराई, जो निश्चित मियाद पूरी होने के बाद 20 सालों से उन्हें नहीं मिल पा रही है। प्रदेश का कोई ऐसा जिला या क्षेत्र अछूता नहीं है जहां गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों का पैसा सहारा में ना फंसा हो। निवेशक पिछले 4-5 साल से लगातार इन कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। सहारा की शाखाओं में जाने पर वहां मौजूद लोग पैसा मिल जाएगा कहकर इसे टाल देते हैं। पिछली सरकारों ने उन लोगों की कोई सुध नहीं ली जिनके सहारा जिसमें सहारा बैंक और PCL ने गरीब किसानों का, मजदूरों का, रोज कमाने वालों का पैसा जो रोज जमा कराया, और पिछले 7 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था उस आदेश को न मानते हुए पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया है कि हम उन गरीबों का, उन किसानों का, उनका पैसा वापस कराया जाए, जो पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा ये आंदोलन है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी भी लखनऊ में इस पर ज्ञापन राज्यपाल जी को दे रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर ज्ञापन राज्यपाल को भेजा। आज हम सभी के द्वारा जो कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर के जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें उन सभी मुद्दों को उठाया जा रहा है जिसमें लोगों ने चिटफंड कंपनियों में, या PSEL हो, या सहारा हो, या बाकी और भी तरह तरह की कंपनियां हैं जिनको गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट ही काम करने का आदेश देती है, और 30 साल 32 साल पूरे भारत में सारे ब्रांचें, 293 इनकी ब्रांचें थी, 49,000 करोड़ का इनका मामला था, और उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के बाद भी गवर्नमेंट ने जब 2014 में इसमें बैन लगाया, 14 अगस्त 2014 में, तो आज तक SEBI के द्वारा इनका पैसा नहीं दिया गया है। और जो भी हमारे एजेंट भाई हैं, जमाकर्ता वगैरह हैं, जो भी किसान भाई है, वो सारे लोग अपने ही पैसे के लिए गवर्नमेंट के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, SEBI कार्यालय जा रहे हैं। हम लोगों ने 10वीं बार SEBI कार्यालय लखनऊ जाकर के धरना प्रदर्शन किया, उनको ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह सभी जगह वो किया। और कंपनी जो भी आज वर्तमान में बंद कराई गई हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उसमें भी बहुत बड़ा हाथ था ये सब करवाने में, और उनके पास उससे